है यार भाई, ये इसको ऐसे करो यार, पेड़ उलोपने। हाथ नीचे रखो। मुझ जैसे पेंडू पहली बार KFC पे हैं, और जो है ना ऐसी जगह पे घुस जाए जहाँ पे ना जाना हो। भाई आपने यहाँ नहीं बैठना था, आपकी जगह उधर थी, किसी की जरूरत है इतना कहने की। यार पेंडू लोग पहली बार आए हो KFC में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग है एबटाबाद में जादून प्लाजे का रिव्यू करना, कि जादून प्लाजे में क्या है। जादून ही होगा, मैं प्रोनाउंस पता नहीं सही कर रहा हूँ या नहीं। तो उसमें देखते हैं कि कौन कौन से बिजनेसेस हैं, कितना महंगा है और कितना सस्ता है। ऐसा मैंने सुना है कि एबटाबाद की जो महंगी तरीन जगह है ना, वो यही है। इसके तकरीबन 3 या 4 फेसेस हैं, ये कंफर्म नहीं है। आज पहली बार जा रहे हैं तो देखते हैं किस तरह का है। और उसमें जितने भी शॉप्स हैं, ब्रांड्स हैं, और सबके फूड्स हैं, या बाकी जितने भी खाने पीने और फूड वही आ गया। तो उसके अलावा बाकी कपड़े, क्लॉथेस, दो बार बोल रहा हूँ, अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब जितने भी चीजें हैं वो सारी उसमें आ जाती हैं। तो अमीर तरीन और रिचेस्ट लोग जाते हैं, तो आज हम भी जा रहे हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एकदम कुछ खरीद ना पाए, लेकिन हम लोग एक दो शर्ट जरूर खरीदेंगे ताकि कुछ रेपुटेशन बने। बाकी आपने चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है। आपके एक लाइक से हमारी ग्रोथ में इजाफा होता है। तो मिलते हैं जादून प्लाजे में, तो हमारे साथ रहिए। तो मेरा इंट्रो देखा है मामे ने, मामे ने कहा है कि ये जो आपने जादून है या जोदून है जो भी है, आपने सही प्रोनाउंस नहीं किया। तो मामे से ही जानते हैं यार पूरा लफ्ज क्या है। ये मामू क्या है ये मामू लफ्ज है जदून। अच्छा, जादून नहीं है, जदून प्लाजा। और ये जादून क्या है, क्या मतलब? ये एबटाबाद की जो है ना सबसे बड़ी कास्ट है, मतलब वो मतलब किसी का है ये पूरा 3 फेसेस का। अब ये नहीं पता कि जो जदून प्लाजा है वो एक ही बंदे का है या किसी और का, लेकिन जो ये जो जदून है ना, ये कास्ट है एबटाबाद की, जो मतलब एबटाबाद के जो सबसे तगड़े लोग है ना पैसे में, सियासत में, हर चीज में, वो यही जदून लोग है। तो चलें देखते हैं कि किस तरह के, और वहाँ पे लोगों से जाने किसका है, क्या नाम है, पूरा रिव्यू लेते हैं। हमारे साथ लाजमी जुड़े रहें। पहले प्लान बनाए खाने का, पहले हम खाना खा लेते हैं। KFC पे आए हुए हैं, KFC का भी रिव्यू करते हैं कि एबटाबाद में कैसा है। तो उसके बाद चलेंगे हम जादून प्लाजे में। तो चलते हैं अंदर देखते हैं। तो हम अंदर आए हैं, पहले हमें लेनी है वहाँ से एक पर्ची। तो उसके बाद जो हमारा जो भी मेन्यू होगा वो सिलेक्ट होगा, उसके बाद हमें वो मेन्यू मिलेगा। तो अंदर देखते हैं वो क्या है और किस तरह मिलता है। जब मुझ जैसे पेंडू पहली बार KFC पे हैं, और जो है ना ऐसी जगह पे घुस जाए जहाँ पे ना जाना हो। भाई आपने यहाँ नहीं बैठना था, आपकी जगह उधर थी, किसी की जरूरत है इतना कहने की। यार पेंडू लोग पहली बार आए हो KFC में। ओ हेलो, आपसे हूँ यार। जी जी भाई, आप पहली बार आए हैं KFC पे पेंडू? 4 साल बाद है। 4 साल बाद है। ये पेंडू लोग है ना कुछ नहीं पता, और ये है ना मेरी तरह ये भी फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे ख्याल से। नहीं मैं अक्सर जाता रहता हूँ। नहीं कब जा गए? नहीं मैं अक्सर मुल्तान जब भी जाता हूँ तो KFC पे। नदीम भाई इन पेंडू लोगों को समझाओ, ये यहाँ पे नहीं बैठ रहे हैं, ये जो है ना KFC में फर्स्ट टाइम है, कोई सेंस ही नहीं है यार मेरी तरह। इन्हें जाने नहीं पता इन चीजों का, बच्चे हैं। ब्रांड पे किस तरह आते हैं, इन्हें कुछ समझाया जाए यार। कैसे है यार, क्या माहौल है, और 12 बजे क्या टिकट लेनी होती है, पर्ची होती है, किस तरह माहौल? सब दफा करो टिकट वगैरह को। अच्छा, ये मैं तो मौलवी हूँ यार। शाबाश बेटा। अच्छा यार, हमने ऑर्डर तो करवा दिया, ये नंबर हमें मिला है कोई बहुत 4753। तो जो है ना ये 9:30 बजे उन्होंने टाइम दिया है, खाना भी खाने हैं, पैसे भी लेंगे और इंतज़ार भी करवाएंगे। अभी ये हम इंतज़ार करेंगे, हमारी बारी आएगी, फिर हम जाके अपना खाना कलेक्ट करेंगे। तो ब्रांड की यार वैल्यू क्या कहोगे यार, ब्रांड की वो नहीं है बेटर वो होता है ना। तो भाई के डोले चेक करो, पहले भाई के डोले चेक करो भाई, फ्लेक्स करो, मेरे शक्ल आ रही है यार। डोले तेरे मान, डोले एक बार फ्लेक्स करो यार। तू है ब्रांड आज यार, ब्रांड के बारे में क्या कहेंगे यार, देखो पैसा कितना है जान। इधर चीज भी लेवल होती है जितना ब्रांड है। चीज हम देख चुके हैं, वो तो बस मैं सब देख चुके यार, बस यहीं पे छोड़ दे इस व्लॉग को। बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे।
खाना आ गया, खाना खाते हैं, दिखाओ यार खाना। A few moments later. यार ये कैसे चलता है? पानी कहाँ से है? यार भाई ये इसको ऐसे करो। यार फिर लो फिर ये क्या है? इसको यहाँ से ऐसे दबाओ, इसको ऐसे ये साफ कुछ निकला है यार। ये बस कुछ ना कुछ निकला है। इस तरह इस तरह। वाह यार, वाह यार, बड़े बड़े शहरों में आने का यार। अब हार्ड ड्राई कर, हार्ड ड्राई कर इधर। ये क्या है यार? इसका भी नहीं पता, सेंसर है नीचे, हार्ड डालो, खुद हवा आएगी, गर्म हवा आएगी। ये तो बंद हो गया। हाथ नीचे रखो। तो फाइनली हम पे पहुंच चुके हैं जैदून के फेज टू में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सारी शॉप्स, ये सारे ब्रांड्स। इस फेज में ज़्यादातर आपको क्लॉथ, शॉपिंग सेंटर और ज्वेलरीज और खिलौने, ये सारी चीज़ें जो कि मतलब शॉपिंग से रिलेटेड हैं, वो सारी मिलेंगी। और यहाँ पे आपको खाने का बहुत कम मतलब कम दुकानें जो है ना, ये शॉप्स हैं ना, वो मिलेंगी। जो दूसरा फेज है ना, तीसरा, उसमें ये सेकेंड है फर्स्ट इस साइड पर, जो कि मैंने जो है ना वहाँ पर नहीं जा रहे हम, वो काफ़ी रास्ता है उसमें। तो हम देखते हैं, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ज्वेलरीज की दुकानें हैं और इस साइड पे भी ये क्लॉथ्स हैं। और जो है ना, हम कोशिश करेंगे, किसी से बात भी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे इसकी हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे और ये किसका है और यहाँ पे एक ही मालिक है यहाँ पे, किस तरह मतलब पूरी डिटेल्स हम लेने की कोशिश करेंगे। तो मतलब कुछ रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी ब्रांड्स बंद भी हो गए हैं। तो मैं अभी जो है ना, आगे मेरे दोस्त भी गए हैं, तो वहाँ पर हम चल के बात करते हैं। व्लॉग तो आपने देख लिया, मैं इस व्लॉग में नहीं था जफर के साथ कुछ मुसरफियात की वजह से। उम्मीद है कि व्लॉग आपको पसंद आए, जब पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।